अस्सलाम वालेकुम भाई जान। 2 घंटे हो गए मैं पार्क में बैठा हूँ, आपका बंदा अभी तक केलों का सैंपल लेके नहीं पहुँचा। अब मैं आपसे क्या डील करूँ मुझे बताएं आप। और हाँ भाई, ये बात याद रखना कि केले जैसे भी हों बस रेट कम होना चाहिए। देख यार भाई, कैसा कैसा दौर आ गया है क्या हो गया भाई? यार। मेरे सामने इतनी बड़ी दाढ़ी रखे एक बंदा समोसे खा रहा है, उसे रमजान का थोड़ा सा भी एहतराम नहीं है, उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यार भाई, तू सैंपल भेज, मैं इस बंदे की क्लास लेता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? खड़ा हो, क्या हो गया बेटा? तुझे रोजों का कोई लिहाज नहीं है, तू इधर बैठ के समोसे खा रहा है। बेटा जी, मेरी 1 मिनट बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? तुझे शर्म नहीं आती? तू रोजा नहीं रख सकता क्या? बेटा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी 1 मिनट बात तो सुनो। क्या तेरी बात सुनूं? इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी तूने रोजा नहीं रखा? बेटा मैंने रोजा रखा हुआ है। तूने रोजा रखा हुआ है? ये देखें आपका सैंपल, सस्ता और हल्का जैसे आपने बोला था। ये केला तो बिल्कुल हल्का है यार। सेठ जी, आपने खुद ही कहा था केला जैसा मर्जी हो मगर रेट कम होना चाहिए। ये केला सिर्फ 20 रुपए दर्जन है और मालिक कह रहे थे 200 पेटी भिजवा दूं क्या? 200 नहीं, मुझे 400 पेटी चाहिए। तुझे पता रमजान है, इसी महीने तो कमाई करनी होती है हमने। सेठ जी, इतना माल नहीं है हमारे पास। मुझे तो 400 पेटी ही चाहिए। तुझे पता रमजान में फ्रूट का डबल रेट होता है, इसी महीने तो कमाई होती है। सेठ जी, मैं मालिक से बात करूंगा, अगर उनके पास 400 पेटी हो तो आपको भिजवा देंगे, नहीं तो 200 पेटी तो कंफर्म है ना। यार भाई, 200 नहीं तो 300 तो कंफर्म कर देना। तुझे पता यही तो महीना होता कमाने का, और मैंने अगले महीने उम्रे पे भी जाना है। सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा 300 पेटी की, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ बे बुढ़े, उम्रे पे जाना है, इस पागल शख्स को कौन समझाए? काबे के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। अब तू बता, तूने कहा था मेरा रोजा है और तू यहाँ समोसे ठूस रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? और दिखने में भी तू नेक इंसान लग रहा है। भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मुझे सख्त जरूरत है। एक तो तुम फकीरों की जरूरतें पूरी नहीं होती, हमसे मांग मांग कर हमसे ज्यादा अमीर हो गए हो। भाई मेरे बाजू भी नहीं है, मेरे घर कमाने वाला भी कोई नहीं है, मैंने इफ्तारी करनी है, कुछ पैसे दे दो या कुछ खाने के लिए दे दो। चलो बेटा, इससे इफ्तारी कर लेना। बाबा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको खुश रखे। चलो, तुझे लेक्चर देने का कोई तो फायदा हुआ, तूने उसे समोसा दे दिया। मुझे ये बताना बुढ़ा, तूने मेरे साथ झूठ क्यों बोला कि तूने रोजा रखा हुआ है? बेटा मैंने ऐसा रोजा रखा हुआ है, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, किसी पर हसर नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं हराम का माल नहीं खाता, मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाता हूँ। और बेटा मुझे मैदे की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा दवाई खाने से पहले कुछ खा लिया करो, इसीलिए मैंने समोसा खाया था। बेटा आप बताओ, आपका रोजा है? अंकल मेरा तो रोजा नहीं है, रोजा तो आपका है अंकल। अच्छा बेटा, अल्लाह खुश रखे। सिर्फ भूखा प्यासा रहना रोजे का नाम नहीं है, इंसान को खुदा से भी रोजेदार होना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें।